खुद कौन कौन था, कैसे कैसे शरीक था, हमें पूरा यकीन है, ईमान है कि जरूर उसका वो बदला लेगा। सर अब डेड बॉडी वहां से कुछ देर में रवाना की जाने वाली है, लेकिन इस तरह एक तरफ सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इस मौत के पीछे कोई साजिश है, क्या आप लोगों को लग रहा है कोई साजिश और क्यों? 100% साजिश से सब कुछ हुआ है, कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है, अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो, वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और दो ही दिन बाद वो ये सामने आया। लेकिन डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 14 घंटे तक 9 डॉक्टर्स इलाज करते रहे और उसके बाद जाके उनको नहीं बचाया जा सका, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट। कहाँ 14 घंटा, वो जेल में बेहोश हुए मिले हैं, कह रहे हैं खुद उन्हीं के लोग, और हॉस्पिटल लाने के बाद 2 घंटा भी नहीं, 14 घंटा कहाँ हो गया? 9 बजे मृत की सूचना आ गई, कैसा 14 घंटा? सब बकवास है, झूठ है, धोखा है। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है? कौन है जो ये साजिश कर सकता है? वो सब जानता है, उसको बताने का क्या है। हम देख रहे हैं कि आक्रोश भी है मोहम्मदाबाद में, जहां पर इस वक्त हम लोग आपके परिवार और आपके घर के पास मौजूद हैं, यहां पर आक्रोश है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो कोई आक्रोश व्यक्त करने के किसी को इजाजत नहीं देते हैं, हम सबसे सब्र धैर्य से काम लेने का अनुरोध कर रहे हैं और सब लोग सब्र करेंगे और इस सब्र का बदला ऊपर वाला जरूर देगा। क्या लग रहा है कि ये जो सब्र की बात आप कर रहे हैं और बदले की बात कर रहे हैं, ये किससे बदले की आप बात कर रहे हैं? कौन है जो मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच सकता है? नहीं, अब वो इस वक्त कहने की बात नहीं है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा, उससे कुछ छिपा नहीं है, वो खुद कौन कौन था, कैसे कैसे शरीक था, हमें पूरा यकीन है, ईमान है कि जरूर उसका वो बदला लेगा। अभी परिवार के कौन कौन से लोग जनाजे में शामिल होने जा रहे हैं? अब अभी तो जो हैं यहाँ वही होंगे, और कौन कौन किसको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुख्तार अंसारी के, सबसे बड़े भाई जिन्हें आप सुन रहे थे वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरी तरीके से एक साजिश थी, उनको बचाया जा सकता था, मुख्तार अंसारी को बचाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर मुख्तार अंसारी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये परिवार जो है उसकी तरफ से कहा जा रहा है और लगातार ये सवाल गौतम उठाए जा रहे हैं कि परिवार कह रहा है कि दरअसल सुनियोजित तरीके से पहले जहर दिया गया, उसके बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज की तैयारी चल रही थी, ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, तो उस वक्त उनको छोड़ दिया गया।